आरवी की वजह से आरवी और उसकी माँ के बीच हुई लड़ाई। आरवी पर भड़की हरलीन। पूर्वी को लेकर बढ़ी खुशी की चिंता। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट। भाई अब तक पूर्वी जेल में बंद है और जब ये बात आरवी को पता चली तो वो सीधा पूर्वी से मिलने पहुंच गया और ये बात हरलीन को किसी ने बता दी, जिसके बाद जब आरवी घर लौटा तो घर में हरलीन ने शुरू कर दिया ड्रामा। भाई उसने अपने बेटे आरवी को खूब खरी खोटी सुनाई क्योंकि वो पूर्वी से जेल में जो मिलने चला गया था और ये बात हरलीन को बिल्कुल भी रास नहीं आई। ऐसे में आरवी अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कहां समझने वाली है, वो तो आरवी से गुस्सा होकर चली गई। बात ये पता चली है और ऐसा कुछ हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक माँ और बेटे का जो रिलेशनशिप होता है ना, ये बेसिकली आरवी हमेशा मदर्स बॉय रहा है और माँ भी उतना ही प्यार करती है उससे, और पहली बार ऐसा कुछ माँ को फील हुआ है कि वो बेटा नहीं रहा। बिना बताए आना, सीधा घर ना आना, पूर्वी को मिलने जाना, और ये सब हमें पता ही नहीं है ये सब हो रहा है। सो ये बात को लेके माँ को बहुत बुरा लगा है और गुस्सा भी आया है क्योंकि पूर्वी की वजह से आज हमारे घर में कितना कुछ हुआ है। पीजी गिरी, सर्जरीज हुई, इतना सब कुछ, और पूरा जो बदनामी हो रही है हमारी, न्यूज़ में हम सबका नाम आ रहा है। और हरलीन इस बात को लेके बहुत पर्टिकुलर है कि खानदान का नाम खराब नहीं होना चाहिए। सो ये सब हुआ इस लड़की की वजह से और ये बंदा फिर भी उसकी तरफ भाग रहा है। सो इस बात को लेके हरलीन बहुत गुस्से में आई, आरवी से गुस्सा हो गई। भाई जहाँ एक तरफ पूर्वी के जेल में होने की वजह से घर में तमाशे हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खुशी हो रही है परेशान। असल में खुशी अरमान के ऑफिस पहुंच गई है जहां पर लॉयर भी बैठा हुआ है, जिसने ये बताया कि पूर्वी को बेल नहीं मिल सकती, जिसके बाद खुशी का गुस्सा ही फूट गया। खुशी को शक है कि पूर्वी को जरूर किसी ने फंसाया है। कैसे मानो? अगर इतने ही काबिल, इतने ही अच्छे, तो फिर मेरी बहन को जेल से क्यों नहीं निकलवा पा रहे? और तुम क्यों नहीं मान रहे हो कि उसे बेल मिलना मुश्किल नहीं है? अरमान, उसने कुछ नहीं किया है। वो आलवी के घर पे बिजनेस डिनर था, वहाँ पे मिस्टर मेहरा अपनी बीवी के साथ आए थे, उन्हें डील पसंद आई इसलिए भाई के भाई कैश दे के चले गए, सोचा पेपर फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। उसके बाद आलवी की दादी सीढ़ियों से गिर गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में सबने कहा पीयू से कि घर से कैश लेकर आए, उसने बस घर से कैश लेकर आकर वहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ को दिया अरमान, उसने और कुछ नहीं किया। इस सब का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? पीयू को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मिस्टर मेहरा तो नकली नोट्स देंगे नहीं ना। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो पीयू को फंसा रहा है, ये सब प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई है। क्योंकि कुछ बात होती है तो हरलीन आरवी को कॉल करती है एंड आरवी का फ़ोन उठाता है युग, और युग मुझे बताता है कि हम लोग मुंबई में ही हैं। सो वहाँ से शॉकिंग यू नो न्यूज़ पता चलती कि वो यहाँ पहुँच चुका है और हमें पता भी नहीं है। सो उसका वो गुस्सा वहीं से बिल्डअप दिखाया है। पता नहीं, अभी तो हरलीन हर चीज़ जो भी करती है, किसी का भी साथ देती है, तो वो
फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, खानदान के नाम को लेके देखती है, या सच झूठ अच्छा बुरा इसी पे तोलती है। तो आई डोंट थिंक हरलीन किसी को भी बख्शेगी अगर कोई गलत साइड पे जाएगा, तो उसका सब कुछ गलत और सही के इस पे लेवल पे ही रहता है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मोनिशा ने किया तो पता नहीं, उस टाइम पे शायद मोनिशा सही लगने लगे, कुछ भी हो सकता है। सो सिचुएशनल है सब कुछ सिचुएशनल। उस सिचुएशन में कौन सही लगता है कौन गलत लगता है, हरलीन हमेशा उसी का साथ देती है। पता नहीं, अभी तो यही ड्रामा बहुत हाई लेवल का है जहाँ पे माँ और बेटे के बीच में थोड़ी यू नो किले शिकवे दिख रहे हैं, जो माँ बहुत बिट्रेड फील कर रही है बेटे को लेके। सो ये एक ट्राइंगल बनता जा रहा है बहू बेटे और माँ का। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, मैं भी वेट देखना चाहती हूँ। क्या आरवी करता है उसकी मदद और कैसे होती है पूर्वी बेगुनाह साबित? मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।